चैप्टर वन है ना शादी पे पड़ा वो चार्ट है जो बाद में खाया जाता है, इसलिए हम चैप्टर टू पे चले। ठीक है, चैप्टर वन कुछ नहीं, चैप्टर वन हम लास्ट में करें। ठीक है, चैप्टर टू क्या क्या कुछ भी नहीं, लास्ट में करते। चैप्टर थ्री क्या है क्या, बहुत डिफिकल्ट है पागल, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे नहीं करो क्या है क्या, ऐसे मजाक नहीं उड़ाते चैप्टर पर, साले बर्बाद हो जाओगे, इतना डिफिकल्ट चैप्टर है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि इसे हम बाद में करेंगे। सर सप्लीमेंट, पेपर हो गया। अरे अरे सर, 30 मार्क का छूट गया। अबे हमारा रिजल्ट आ रहा है आज। तो क्या, तो रिजल्ट आ रहा है, डर लग रहा है यार। बेटा एक बात याद रखना, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। हाँ वो मैं समझा, लेकिन आगे एडमिशन। अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। मैं समझा तेरे मेरे भाई। अबे तेरे को समझ नहीं आया क्या, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैनॉट डिसाइड माई फ्यूचर। अबे रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, पहले मैं तेरा दिखता हूं। आशीष आशीष आशीष, अबे मैं मजाक कर रहा था यार, मैं तो पेपर में गाने लिख के आया था यार, वो भी हनी सिंह। एग्जामिनर तो पिछले सेमेस्टर के भी मार्क्स काट देगा। मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, मेरा बाप मेरे को घर से निकाल देगा, माँ मेरे को खाना देना बंद कर देगी, मेरा परिवार मेरे को जायदाद से बेदखल कर देगा यार। अविश्वसनीय क्लासेस। नमस्कार बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो बच्चों आई थिंक आपको इन वीडियोस में कुछ दिखा होगा कि मतलब क्या प्रॉब्लम्स होती है। बच्चों हमें पता ही है कि मतलब जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को ही नहीं देख पाओगे तो उसका सॉल्यूशन क्या निकालने वाले हो बच्चों, ठीक है ना। तो पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखी, प्रॉब्लम पहली क्या थी बच्चों, चलिए देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या थी। वो प्रॉब्लम्स बच्चों, प्रॉब्लम सबसे पहली होती है जब भी कोई सा भी एग्जामिनेशन हो बच्चों, कोई सा भी एग्जामिनेशन हो। मैं सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं पूरे एग्जामिनेशन, चाहे जितने भी इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी एग्जामिनेशन एग्जाम्स होते हो बच्चों, मैं उनके रेस्पेक्ट में मैंने ये वीडियो बनाई है बच्चों। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा बच्चों, जो सॉल्यूशन मैं अंत में दूंगा ना बच्चों, लास्ट में मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं, वो इतना यूनिक है, इतना ही मजेदार है, इतना ही ट्रिकी है कि मतलब आपकी पूरी जिंदगी को उलट दूंगा मैं बच्चों। उस आप खुद ही सोचने वाले हो बच्चों कि यार ये तो हो सकता था लेकिन मैंने ये क्यों नहीं किया। बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, इन दिस यूनिवर्स एवरी स्टूडेंट हैव देयर इट्स ओन माइंड टू एक्सप्रेस हिज व्यूज। मतलब क्या है मेरे कहने का, इतनी बात मैंने सब कुछ कह दिया बच्चों, मतलब हर एक पर्सन के पास अपना टैलेंट होता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि मतलब आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो तो आप किसी में तो अच्छे हो बच्चों, अपनी वो जो अच्छीपन जो आप में अंदर अच्छा है, जो टैलेंट है बच्चों, वो निकालना ही होगा आपको, कुछ करने के लिए कुछ बनना ही होगा बच्चों आपको, आपको अपने मम्मी पापा को दिखाना है। मैं आपको अगर बता दूं, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं बच्चों, अगर मान लो ये कोई लड़का है बच्चों, ये उसकी मम्मी और पापा पेरेंट्स बच्चों, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप कुछ नहीं करते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने 12th निकाल ली, 11th निकाल ली और आप आगे भी कुछ करना चाहते हो बीएससी वगैरह, तो जब आप बीएससी में आओगे ना बच्चों तो पता है ये पेरेंट्स आपसे क्या कहेंगे, नालायक, ठीक है, नालायक कहेंगे, ठीक है, बेकार, कुछ नहीं आता, इससे बढ़िया तो तू मर गया होता। बच्चों ये शब्द सुनने के लिए आप जिंदा हुए थे क्या, नहीं ना। तो बच्चों मैं वही कह रहा हूं कि पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझो कि प्रॉब्लम्स क्या है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या आप में है मतलब। तो पहली प्रॉब्लम होती है बच्चे, जब भी आपको एग्जाम हो, एग्जाम की प्रिपरेशन हमेशा हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा प्रिपरेशन आप करो एक महीने पहले। अगर आप
पूरे साल नहीं करते हो या फिर पूरे साल कुछ नहीं करते हो, तो एक महीने पहले कम से कम उनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। बेटा एक दिन में कुछ नहीं होता, अगर एक दिन में सब कुछ होता होता तो हम लोग स्कूल ही क्यों जाते? ये इतने जो फैकल्टीज जो मतलब पढ़ा रही है, टीचर ही क्यों आते? क्या वो ठुल्लू तो है नहीं ना बच्चों? तो ठीक है ना, तो आप एक महीने तो कम से कम लेके चलिए, आपको पढ़ना है, सब कुछ करना है। अब सेकेंड बात क्या आती है बच्चों, कभी भी ग्रुप स्टडी मत करना। अगर आपको कुछ बनना है पूरी जिंदगी में अपनी, कभी भी ग्रुप स्टडी मत करना। ये कीड़ा है, ये कीड़ा आपको मार डालेगा, काट लेगा। तो बच्चों ग्रुप स्टडी तो कभी ही मत करना, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। बच्चों तीसरी प्रॉब्लम होती है एग्जाम्स की। बच्चों एग्जाम्स में हमें पता है कि एग्जाम्स में क्या होता है कि एग्जाम में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अब यार मुझको तो पता है क्योंकि मैंने पढ़ा है, अगर जिसको नहीं पता, जिसने नहीं पढ़ा उसको तो नहीं आएगा। अब बच्चा वो क्या करता है, वो बच्चा बढ़ा चढ़ा के इतना बढ़ाएगा कि एग्जामिनर भी सोचेगा भाई ये क्या है भाई, एग्जामिनर ठुल्लू नहीं है। एग्जामिनर भाई ठुल्लू होता तो उसे एग्जामिनर बनाया ही क्यों जाता? तो बच्चों ऐसा आप गलती कभी मत कीजिए। जो भी पेपर में आपको आता है बच्चों वही लिखिएगा। देखते हैं कि बच्चों इस बच्चे ने क्या किया। अगर उसको क्वेश्चन नहीं आया तो देखिए हम लोग देखते हैं इस बच्चे ने क्या किया। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी तो सिलेबस में नहीं है। गए 15 मार्क्स। काम करता हूँ, कॉलम बनाता हूँ। ये लाइन नीट दिखने के लिए और ये आंसर पढ़ा दिखने के लिए। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स यूज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लोग दो उंगली के साथ पैराग्राफ बनाते हैं, मैं चार के साथ बना देता हूँ। अगर मैंने वर्डिंग्स के बीच में स्पेसिंग डाला तो कितना बड़ा आंसर हो जाएगा? और अगर लेटर्स के बीच में मैंने स्पेसिंग डाल दिया तो? Photosynthesis is made of two words, photo and synthesis. Just like two actors from Sarah, Archie and Parsha. ऐसे भी इतना कौन पढ़ता होगा? गाना लिख तू। जिन 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 जिगाट जिन 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 जिगाट जिन 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 जिन। Pointers में लेके एक-एक line waste कर दे भाई। अगर मैंने गंदे handwriting में लिखा, तो कुछ समझेगा ही नहीं ना? Photosynthesis can only happen during daytime because you need sunlight which is given by sun, which does not come at night because at night there is no sun, there is moon. Shit, दुए पे जो है idea, ये line cut कर देता हूँ और अब इस ये line लिख देता हूँ, इससे answer बड़ा लगेगा। P dot T.O. डायग्राम बना देता हूं, 10 लाइन वेस्ट हो जाएंगे। What the fuck is this diagram? 10 hence proven that therefore this is called photosynthesis. Finally खत्म हुआ। हाँ क्लास, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है फोटोसिंथेसिस वाला, वो गलत है। आप क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलते हैं बच्चों ये प्रॉब्लम्स और ये सब वीडियो को देखने के बाद अब चलते हैं कि बच्चों क्या करें। चलिए आप तो हार गए, चलिए मैं आपको बताता हूं ऐसे सॉल्यूशन जो आज तक किसी ने भी सच नहीं बताए होंगे। बच्चों मैं वीडियो में अपने हमेशा सच लेके आता हूं, मैं ट्रू बात लेके आता हूं, तो मेरी वीडियो आप हमेशा ही समझिएगा ये 100% गारंटेड है कि आप कुछ बन जाने वाले हो बच्चों। तो बच्चों क्या है वो सॉल्यूशन, क्या करें कि मेरे पूरे नंबर 95 के अब बच्चों आए? पहली बात होती है बच्चों प्रैक्टिस, कुछ भी कर लो, कोई भी, मैं आपको दिलासा नहीं दिला रहा बच्चों। पहली बात होती है बच्चों प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं देखिए सबसे पहले प्रैक्टिस होगी, अगर प्रैक्टिस आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट पे नहीं होगी, जब तक वो कॉन्सेप्ट आपका पावर नहीं बनेगा बच्चों, आपका कोई भी क्वेश्चन आप कर तो लेंगे, लिख जरूर आएंगे, लेकिन जो आपकी टेंडेंसी है मार्क्स लाने की बच्चों वो बहुत कम हो जाती है बच्चों, ठीक है? तो पहली क्या थी बच्चों, प्रैक्टिस। सेकेंड थी बच्चों बढ़ा चढ़ा के मत लिखो, ओवर राइटिंग कभी मत करना पेपर में बच्चों, क्योंकि एग्जामिनर बहुत, अगर
कुछ एग्जामिनर होते हैं चलिए वो देखते ही नहीं है, लेकिन अगर गलती से वो एग्जामिनर आ गया जो सब कुछ देखता है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपका वो कैरी आउट करता है, फिनिश आउट करता है, तो बच्चों आप बहुत ही नीचे चले जाओगे, बच्चों कहीं के भी नहीं रहोगे। बच्चों कभी भी ओवर राइटिंग मत करना। अब थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, जो भी आपको आता है पूरा, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत साइंटिस्ट बन गए बच्चों, जो भी आपको पेपर में आता है उसी बेस पे लिखिए, कुछ भी अपना ना जोड़िए। मतलब कोई लोग होता है जिसको नहीं आ रहा है और फिर वो भड़ा चढ़ा के, उसने सोशल इंग्लिश का पेपर है, उसने सोशल साइंस मैथ्स ठीक है इंग्लिश इंग्लिश के पेपर में उसने सब कुछ लिख दिया, पूरी महाभारत आप नहीं लिखनी है बच्चों। महाभारत अगर आपको बनना, महाभारत का कुछ एक्टर वगैरह बनना, तो उधर जाइए, उधर पे आपको सफलता मिलेगी, बट बेटा यहाँ पे आपको महाभारत लिखने में कोई सफलता नहीं मिलेगी। वो आपकी कॉपी फाड़ दी जाएगी, नहीं फाड़ जाएगी तो ऐसा आपको लाल पेन से क्रॉस बना दिया जाएगा, बस आपकी कहानी वहां पे फिनिश हो गई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप उसी क्वेश्चन से मान लीजिए मैंने दिया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, यही बात की था मैंने अभी, फोटोसिंथेसिस, तो बच्चों इसमें आप यार थोड़ा बहुत तो आपको आता ही होगा बच्चों, फोटो के बारे में बात की गई है, फोटो का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, साइंस वगैरह पढ़ते तो फोटो का मतलब होता है बच्चों कुछ सनलाइट से रिलेटेड, ठीक है सनलाइट से रिलेटेड, ठीक है यही बात होती है। अब थोड़ा बहुत आप समझेंगे तभी आएगा, नहीं आता बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन, ठीक है हल्का सा इंग्लिश भी आती है ना तो अभी आप समझ जाएंगे, फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट से कुछ रिलेटेड उसकी प्रिपरेशन मतलब, तो आप इसको समझ गए ना, अब समझ के आप खुद ही बना सकते हैं बच्चों पेपर में। बच्चों रट के कोई नहीं आता, मैं फिर कह रहा हूँ रट के कभी मत जाना, कुछ नहीं आएगा, रटा आपने तो कुछ नहीं आने वाला है बच्चों। तो आप पहले उस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को अगर आप बच्चों समझ गए तो आप अपनी ही लैंग्वेज में उसे लिख सकते हैं, अपनी ही लैंग्वेज में उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये अगर पॉइंट आप भूल गए, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप क्या करें, यह समझ में नहीं आ रहा आज तो मैं फेल ही हो जाऊंगा, नहीं रुको बच्चों, आप फेल नहीं होने वाले हो बच्चों। देखिए वो लास्ट पॉइंट जो बताने वाला हूं बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब तो चलिए आप कर ही लेंगे, मान लीजिए आपने ये सब कर लिया, अब जो मैं बताने वाला हूं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपकी राइटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, अगर बच्चों आपकी राइटिंग इतनी मस्त होगी, इतनी ही ब्यूटीफुल, हाँ ब्यूटीफुल कहना ही होगा बच्चों, इतनी साफ एंड क्लियर होगा ना बच्चों, तो एग्जामिनर ये सोचेगा यार इतनी राइटिंग में ही मतलब अब इसकी मतलब क्या करें, सरस्वती का रास है वास है, तो मतलब हम और क्या बेटा, वो कुछ नहीं देखता बच्चों। आप जब इतना क्लियर और काटा पीटी नहीं करेंगे बच्चों, काटा पीटी कभी भी पेपर में नहीं करना, गुचुर मुचुर नहीं करना है, यहाँ पे चूहा बिल्ली नहीं खेलना है बच्चों, पेपर देने जा रहे हो सीरियसली पेपर दो, काटा पीटी अगर मान लीजिए कुछ गलत भी हो जाता है तो मैं आपको फिर एक सलाह दूंगा बच्चों, उसे आप ना काटें, उसे आप कुछ भी यहाँ पे ये सब ना करें, जैसे मान लीजिए आपने लिखा क्लियर, अब आपने गलत लिख दिया, अब ये सब कर रहे हैं, ये सब आप कुछ भी ना करें, बिल्कुल साफ एंड सुथरा लिखें बच्चों, क्लियर लिखें, और अगर आपकी उसमें कोई मिस्टेक भी होती है ना बच्चों, तो एग्जामिनर आपकी राइटिंग से इतना ही इंप्रेस हो जाने वाला है बच्चों की वो आपकी जो गलतियां हैं वो देख ही नहीं पाएगा, वो राइटिंग में ही बिल्कुल लीन हो जाने वाला है बच्चों, कंफ्यूज हो जाने वाला है बच्चों। तो हम आपको फिर बता रहे हैं कि मतलब आप ये सब ना करें अपने पेपर में, ये सब बिल्कुल साफ साफ लिखें एकदम, और हमेशा रखिए सिंस हमें पता है द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब जो पहले का पेज और दूसरे का पेज होना इतना सुंदर होना चाहिए बच्चों कि वो देख के ही बच्चों वो कुछ और देखे ही ना, वो सिर्फ आपका चेक करता जाए, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, मैं आपको फिर बता रहा हूं। तो आई थिंक बच्चों ये कुछ चीजें थी जो आपको पेपर में आपने देने हैं, बस मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ो वो पढ़ो, बच्चों वो तो आप पढ़ोगे ही, लेकिन जो मेन टिप्स थी बच्चों मैंने आपको अपनी तरफ से जो मैंने किया है बच्चों मैंने आपको बता दी। तो आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे कि प्रैक्टिस तो है इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है बच्चों राइटिंग आपकी, ठीक है अगर आपकी राइटिंग आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपकी राइटिंग नहीं है अच्छी ना बच्चों तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और खासकर इंग्लिश के पेपर में बच्चों आपकी राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग तो इंग्लिश के पेपर में बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हिंदी का जो ऐसे वगैरह इनकी राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश की अगर आपने राइटिंग सुधार ली तो फिर बच्चों क्या मतलब है, फिर तो भाई नंबर की बरसात होने वाली है बच्चों। मैं फिर कह रहा हूँ एग्जामिनर इतना नहीं देखता, अगर एग्जामिनर एक ही पेपर को घुस के देखेगा ना बच्चों तो है ना बच्चों को पूरा दिन लगा पाएगा,
उसके पास बहुत काम होते हैं बच्चों, बहुत सारी बुक, बहुत सारी पेपर्स उसको चेक करने होते हैं। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप बना के लिखिए, लेकिन इतनी अच्छी राइटिंग लिखिए, मैं बस यही कहना चाहता था बच्चा, ठीक है। तो अगर आप समझ में आ गए होगे तो आप ये वीडियोज और ये सब सॉल्यूशन को देख के समझ में आ गए, तो आप मुझे बताइएगा बच्चों कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। ये मोटिवेशन भी कह सकते हैं इसको, या फिर इसको प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो बच्चों आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत बोलना बच्चों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलना बच्चों, ठीक है। तो और मैं अपनी वीडियो में लेके आऊंगा बहुत ही इतने ही ट्रिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको मजा आ जाने वाला है, तो अगली वीडियो मेरी जरूर देखना। और टिल देन आपका दिन शुभ हो। नमस्कार बच्चों, आपका दिन शुभ हो।